नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टुडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज में। एक निर्माणाधीन जो मेडिकल कॉलेज है वो बन रहा है दुबेपुर में। इसके अलावा दूसरा है सुल्तानपुर ज़िले में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उसी का अब नाम बदल दिया गया है। अब राजकीय मेडिकल कॉलेज, या ये कह माफ़ कीजिए, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया है। ऐसे में हमारी बात होगी यहाँ के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर सिल श्रीवास्तव सर से। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पहले से और अब में क्या बदलाव हो रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल उठता है जनता के मन में वो ये कि क्या इसके बन जाने से जनता को कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्या अब अभी भी मरीज सुल्तानपुर से डायरेक्ट लखनऊ रेफ़र किए जाएंगे? इसके अलावा और कौन कौन सी फैसिलिटी यहाँ मिलने वाली है, उसके ऊपर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ में यहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर हमारे साथ में मौजूद हैं। सर स्वागत है अवध टुडे पर आपका। सर एक सीधा सा सवाल है सर, कि इसके बन जाने से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन जाने से सुल्तानपुर की जनता को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, मेडिकल कॉलेज जो होता है, जी सर, एक तो इसका जो एम होता है वो होता है टीचिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो मेरा प्राइमरी एम तो ये है कि यहाँ पे हम 100 MBBS डॉक्टरों को बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग दें कि वो आगे चल के एक अच्छे डॉक्टर बन सकें। तो इस तो हो गया ट्रेनिंग और टीचिंग। उसके बाद जो हमें यहाँ पे मरीजों से जो हम उनका इलाज करें उससे मिलने वाले जो हमको परिणाम हो, जो डेटा हो, उन पर रिसर्च करें और यहाँ की लोकल बीमारियों के अलावा जो कॉमन बीमारियाँ हैं उनके बारे में और अच्छी रिसर्च करें और निकाल के ले आएँ कि कौन सी दवा, कौन सी पद्धति और अच्छी होगी इलाज के लिए। एक तो ये है। दूसरा ये कि हम लोगों के पास, क्योंकि यहाँ का जो सबसे बड़ा अस्पताल है जिला अस्पताल, उसको मेडिकल कॉलेज में समाहित कर दिया जाता है, तो हमको वहाँ के मरीजों को जो सुविधाएं देनी चाहिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना है दी जाएगी। तो उस केस में हम ऐसा करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हैं उनकी हमने एनालिसिस कर ली है, उसके हिसाब से उनको कैसे इम्प्रूव करें उस पर काम कर रहे हैं। कुछ नए डॉक्टर आए, कुछ नई विधाएं स्टार्ट होंगी और मेरा अपना अनुमान है कि बहुत जल्दी और अच्छा परिणाम। तो सर, हर साल आपका मेडिकल कॉलेज, आप प्रिंसिपल सर हैं यहाँ, हर साल लगभग कितने स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेंगे, डॉक्टर बनेंगे? 100 सर, राइट सर। सर एक बड़ा जो सवाल है यहाँ पे जो जनता के मन में कि जो लखनऊ रेफर किया जा रहा है मरीजों को, इसके बन जाने से आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां आ रही हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे और लखनऊ जाने से कैसे रोकेंगे सर सुल्तानपुर के मरीजों को? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम जो अभी तक यहाँ की फैसिलिटीज़ थी उनको थोड़ी बहुत, जो उनके लूपहोल से जो थोड़ी कमियां थी उनको और सुधार रहे हैं। जैसे कि पहले रात में सिजेरियन चिक्सन होने में महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो अब होने लगा है। 24 घंटे डिलीवरी की फैसिलिटी होने लगी है। ट्रामा सेंटर पहले नहीं चलता था, अब 24 घंटे चलने लगा है। इमरजेंसी सर्विसेज 24 घंटे दे रहे हैं और अब रात में भी जो डॉक्टर्स की कॉल होती है वो 100% अटेंड होती है। तो मतलब ये कि जो 24 घंटे वाली फैसिलिटीज़ उसको शुरू कर दिया है। रेगुलर वार्ड्स के राउंड होने लगे हैं, कुछ नए चिकित्सक आ गए हैं, तो उनके बारे में भी जो एकदम जो दी बेस्ट ट्रीटमेंट का मॉड्यूल होता है उसको फॉलो किया जाने लगा है। तो एक तो इससे रेफरल घटेंगे, दूसरा ये है कि यहाँ पे ICU की सुविधा नहीं चल पा रही थी, उसको हम लोगों ने टेकअप किया है और मेरा अपना अनुमान है कि 1-1.5 महीने में ICU भी फंक्शनल हो जाएगा, तो उससे काफ़ी रेफरल कम हो जाएंगे। तीसरा है कि रेडियोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम बहुत थी, तो हमारी राज्य सरकार ने बॉन्ड के तहत एक सीनियर रेजिडेंट का अलाटमेंट कर दिया है, वो ज्वाइन करेंगे, हम लोग और लगें कि और सीनियर डॉक्टर्स भी आ जाएं, तो रेडियोलॉजी भी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि काफ़ी कुछ रेफरल कम हो जाएगा। राइट सर। सर आपने गर्भवती महिलाओं की बात की, आए दिन बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, खासकर कुछ घुसबैठिए टाइप में कॉलेज में या हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं जो उनको रेफर कर देते हैं बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो इसके ऊपर कैसे लगाम लगाने वाले? उसके लिए हम सब लोगों ने रैंडम चेकअप शुरू किया है, हमारे CMS ने, हमने सब लोग रात में भी अब राउंड लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे भी राउंड लेते हैं। बहुत सारे कैमरे लगवा दिए जा रहे हैं कि जब भी बाहरी व्यक्ति अगर सामने आए तो उसको
उसके कार्रवाई की जा सके। जो पहले ट्रेनिंग के बच्चे आते थे तो उनकी फ़ोटो सहित ड्यूटी लिस्ट लगा दी जा रही है कि उनको तुरंत वहीं पे देख लिया जाए कि वो इस समय ड्यूटी पे हैं या बाहरी व्यक्ति हैं, तो उनका आइडेंटिफाई करके फिर पुलिस के सहयोग से उन पर कार्रवाई की जाए। तो लगभग 70% ये चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, 10-20% होगी उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा। सर, एक बहुत बड़ी समस्या खासकर जो इमरजेंसी में देखने को मिलता है रात के समय, जो मरीज़ लेट आते हैं, ऐसे में कई बार शिकायतें आती हैं कि बाहर की दवाई लिखी जा रही है, पर्चे पे उसको लिखा जा रहा है और फिर बाहर भेज दिया जा रहा है। क्या दवाइयों की कमी है या एक तरह से देखा जाए तो एक गड़बड़झाला टाइप में चल रहा है एडमिट? देखिए, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, पूरी उपलब्धता है, सारी चीज़ें अंदर से ही मिलती हैं, लेकिन कहीं कहीं कभी कुछ बदमाशियां या कह सकते हैं गलतियां लोग करते हैं, उसके लिए सख्त निर्देश, और जैसे भी कोई केस पकड़ में आता है तुरंत सख्त कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव के मूड में है सर अब सुल्तानपुर, एक तरह से देखा जाए तो हॉस्पिटल सुधरने वाला है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देखिए, प्रयास सबका काम है, पहले भी प्रयास होता रहा है, अभी भी प्रयास होता है, मेरे बाद भी प्रयास होता रहेगा। अब ये जरूर है कि जनता अगर ये कहे कि बदलाव आया है तो आया है, नहीं कहे तो नहीं आया, बस इतना कहना चाहते। एज ए प्रिंसिपल सर, इस कॉलेज को लेके क्या ड्रीम है सर आपके, अगर इस पर बात किया जाए थोड़ा सा? ड्रीम तो यही है कि पहले तो हम अपने अंडर ग्रेजुएट बच्चों को बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग दें, मरीजों का अच्छा इलाज कर सकें, अच्छे से अच्छा बेड्स ढेर सारे बढ़ा दिए जाएँ, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ आएँ, नर्सिंग की तरफ आएँ, पैरामेडिकल की तरफ आएँ, कि सब कुछ सुल्तानपुर में कम से कम एक बहुत अच्छे स्तर पर मेंटेन हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो अभी यहां पर अवेलेबल नहीं है या यहां पर उपलब्ध नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं है, जिनको मतलब एक तरह से कंपलसरी आप रेफर कर ही देते हैं लखनऊ? देखिए, जो सुपर स्पेशलिटी वाले विभाग हैं, जैसे नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, इन सबके स्पेशलिस्ट ना अभी हैं और ना अभी 2-3-4 साल आएंगे, इनके भी अभी थोड़ा कॉलेज का NMC इंस्पेक्शन हो जाए तो कोशिश करेंगे कि कुछ लोग एक एक दो दो दिन के लिए अगर अपनी सुविधाएं देना चाहें, कुछ मिल जाएंगे तो उसको शुरू करेंगे। टेलीमेडिसिन फैसिलिटी गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है, उससे यहाँ से कंसल्टेशन करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी इन सब के कुछ केसेस तो रेफ़र करने ही पड़ेंगे, मतलब करने ही पड़ेंगे सर, कहीं ना कहीं अभी देखा जाए। एक सर, ये भी कहा जा रहा है कि अदालतों की तरह इस मेडिकल कॉलेज की जो निर्माण की जो तारीख थी कंप्लीट होने की, लगभग बढ़ती गई सर, मई, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी। मैं ही कहना चाहूँगा कि तारीख 4 बार बढ़ चुकी है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, चूँकि ये सब्जेक्ट हमसे रिलेटेड नहीं है, इसके लिए आप सार्वजनिक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग से पूछिए। हाँ, हमें कष्ट ज़रूर है कि जल्दी जल्दी ठीक हो तो NMC का इंस्पेक्शन निकाल, क्योंकि जनवरी में NMC कभी भी आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने।